हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आज का वीडियो है बहुत ही मोटिवेशनल। बट बिफोर डूइंग दैट आई वांट यू टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले सो दैट आप मेरे किसी भी न्यू वीडियोज़ को मिस ना करें। तो आज हम बात करने वाले हैं आर माधवन और उनके बेटे वेदांत माधवन के बारे में। जहां भारतीय अभिनेता आर माधवन ने कई साल पहले फिल्म उद्योग में अपनी एक पहचान बनाई थी, आज उनके बेटे वेदांत माधवन ने अब खेल क्षेत्र में, स्पेशली तैराकी में यानी कि स्विमिंग में अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु के बसवनगुड़ी एक्वाटिक सेंटर में 47th जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2021 में 7 पदकें जीती थी। और आज हमारे लिए एक और अच्छी न्यूज़ वो लेकर आए हैं। उनके बेटे वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया है, जो कि एक भारतीय होने के नाते हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व का समय है। माधवन ने इंस्टाग्राम पर अपने इस बेटे की उपलब्धि को शेयर करते हुए लिखा है कि आज यह वेदांत माधवन के लिए 800 मीटर में उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है। वो इससे अभिभूत और विनम्र है। उन्होंने कोच और स्विमिंग फेडरेशन को भी इसके लिए धन्यवाद दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।